गंदम का मामला मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन मैं अपना नुकता नजर जरूर देता रहता हूँ। इवन कैबिनेट के सामने भी मैंने अपना नुकता नजर दिया था जो आप फेल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को किसी स्टेज पर उन्होंने हमें ये नहीं कहा होगा कि कीमत बढ़ाए। फेडरल गवर्नमेंट के पास हम गए हुए हैं, बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। हम 2021 में भी गए थे और हमने तकरीबन 30% की इंक्रीज करवाई थी। उसके उनका ये ख्याल था कि इनका एहसास जमादारी इस तरह का होगा कि अपने मामला तो सुलझाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने उस एहसास जमादारी का इजहार नहीं किया, जिसके नतीजे में उसका ज्यादा हिस्सा सरकारी मुलाजमतों और वो भी ज्यादा ग्रेड फोर की मुलाजमतों में चला गया। इस वक्त भी तकरीबन हमारे 4,500 ऐसे मुलाजम हैं जो कंटिजेंट रेट्स की बुनियाद पर बढ़ते हुए हुए हैं और उनका कोई मुस्तकबिल आगे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। तो कैबिनेट ने ये फील किया कि हमें एक जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और कम अज कम यहाँ से कुछ ना कुछ जाके जब उनसे हम 30-32 अरब मांगेंगे कुछ हम खुद भी बताएंगे कि हमने क्या किया। मेरा उसमें कैबिनेट ने भी राय यही थी कि ये टारगेटेड होनी चाहिए और आज भी मेरी राय यही है, लेकिन मेरी राय जो है और कानूनी तकाजे जो है उसमें बड़ा गया है। अब कैबिनेट का डिसीजन है और उस कैबिनेट के डिसीजन में एक जवाब मौजूद है, उस जवाब से सामने रखते हुए मैं उन्हें ये यानी मैं आज उलमा से मैंने वादा किया हुआ था कि आज की मीटिंग में मैं जरूर फेडरल गवर्नमेंट के साथ रेज करूंगा। आज की मीटिंग में भी मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ रेज किया है मैंने कि जी यहाँ प्रोटेस्ट चल रही है और उनके तकाजे ये, लेकिन अगर मेरे दिल से पूछेंगे तो मैं फिर भी वही इजहार करूंगा कि ये टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। इसमें मैं मेरे जैसे लोग जो है ना वो लेते हुए जो है मुनासिब नहीं लगते और मेरे सरकारी मुलाजम ऐसे हम ग्रेड 11 से इतने मुलाजम है, किसी की भी तनख्वाह जो है वो 80-90 हजार से कम नहीं है। अब जिसकी 80-90 हजार से तनख्वाह कम ना हो, या कोई बैंकर हो या कॉन्ट्रेक्टर हो और वो भी उसी लेवल की ट्रीटमेंट, इस चीज की भी आपको अच्छी तरह आ गई है कि ये जो सब्सिडाइज वीट है ना, ये मेरे यानी जितने भी अफसर हैं उनके घर में बासानी पहुंच जाती है, कॉन्ट्रेक्टर के घर में भी बासानी पहुंच जाती है। अगर इसमें कमी आती है तो उसका नुकसान हमेशा होता है। जब तक हम टारगेटेड नहीं करेंगे उस रीत के लिए तकाजे पूरे होने वाले नहीं है। मेरी जाती राय ये है, कानूनी साइड भी मैंने आपको बता दी और फेडरल गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट की है वो भी मैंने आपसे सभा में बीसी साहब से ये कह गया हूँ कि अगले सीजन को से पहले पहले आपने तमाम जिम्मेदारों के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स पहले करनी है और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनके साथ काम करेंगे और उसको उनको कन्विंस करना है। पहले पिछले साल भी उन्होंने कंपेन की है कि 2 क्रॉप्स का काम करें। मैं सभा में ये कह गया हूँ कि ये आपने हर एक जिम्मेदार तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन ये बात यहाँ मेरे ख्याल है रुकने वाली नहीं, बिकॉज उसकी वजह ये है कि खासकर जब आपके पास कल्टिवेबल लैंड है और आप कल्टिवेट नहीं कर रहे, उसकी वजह सिर्फ महकमा या इदारे नहीं होते, उसमें शायद आपके भी कुछ मसायल होते हैं कि आप किस किस्म का काम करना चाहते हैं। मैंने उन्हें ये भी कहा था कि उन्हें ऑफर करें कि अगर आप गवर्नमेंट को भी लीज पर देंगे, अगर आप कॉर्पोरेट में भी देके जाना चाहते हैं, जमींदार डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो हम ये सारी ऑफर्स आपके लिए ओपन करते हैं और आपको बीज से लेके पौधे तक हर चीज प्रोवाइड करने के लिए अगले पूरे पैकेज में उसका शामिल करते हैं। लेकिन खुदा का आप इसकी कल्टिवेट करें, बिकॉज मैंने तो वो तकरीबन जो 60 किलोमीटर की स्ट्रेच में 70 किलोमीटर की स्ट्रेच में आर्डली मैं ये कहूंगा कि 5 से 7% जमीन जो है वो कल्टिवेट हो रही है, बाकी जमीन में दरख्त लगे हुए हैं, सोशल फॉरेस्ट्री हो रही है लेकिन वो कल्टिवेट नहीं हो रही। इस पर हमारी कमिश्नर साहब भी और डीसी शेखर भी जो है वो पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। पिछले परसों मेरी यहाँ के जो माँ जो धरने में इन्वॉल्व है उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मेरी लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन ये है कैबिनेट का डिसीजन मैं ओवर रूल नहीं कर सकता और मैं साथ ये भी कह लूँ कि कैबिनेट के डिसीजन से मुझे दिली तौर पर वो इख्तलाफ नहीं है कि वो अपनी राय बना के लेके जा रहे हैं। जब दूसरी जो उनसे मैंने वादा ये किया था कि मैंने आपका इशू फेडरल गवर्नमेंट पर रेज करना, तो मैंने वो फेडरल गवर्नमेंट की जो हमारी ECC की सब कमेटी है उसके सामने ये गुफ्तगू भी की है, उनको पूरा
ऑन बोर्ड करने की कोशिश की है कि ये मिसाइल है, ये मिसाइल इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं मेरे दिल से पूछे, मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि अच्छा मुल्क अच्छे शहरी के बगैर नहीं बन सकता, और अच्छा शहरी बगैर जिम्मेदारी के नहीं बन सकता। मैं मुस्लिम अफसर हूँ, मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो मैं जिम्मेदारी नहीं पूरी करूंगा तो मैं अफसरी को कर सकता हूँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त हम सारे मिल के करते ही हैं, और मुख्तलिफ किस्म के लल्ले तल्लों में वो सभी हुए होते हैं, लेकिन उससे मुल्क की किस्मत ऐसी भी नहीं है। और अच्छा शहरी एक दिन से नहीं बनता, अच्छा शहरी बनने में एक तवील अरसा लगता है। खुशकिस्मती से बल्तिस्तान के लोग आदाब बल्तिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, इट मीन्स कि आपका एक अच्छा शहरी एक माशरे में पहले से मौजूद है। जब हम ये जो मैंने पीछे शेदर का भी जिक्र किया कि जब आप इस्तेकार की और जिम्मेदारी के दरमियान तवाजन कायम नहीं करते तो नतीजा ये होता है कि जो बहुत सारे लोग आपसे मायूस होना शुरू हो जाते हैं, आप खुद से भी मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक ये एहसास-ए-जिम्मेदारी सिर्फ दिमाग में नहीं होता, एहसास-ए-जिम्मेदारी आपको माली तौर पर और माशी तौर पर भी होता है, समाजी तौर पर भी होता है और नफसियाती तौर पर भी होता है। मैं मतलब अपने इलाके का भी बहुत सारा, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां भी एहसास-ए-जिम्मेदारी बड़ा कम है, और उसमें भी उसी तरह के मसाइल आ रहे हैं कि अब वालदैन को ये मसाइल आ रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरी नहीं मानते, अगर उनको एहसास-ए-जिम्मेदारी नहीं दिया तो उसने क्यों माननी है आपकी। और उसके मुकाबले में किसी और जगह में जाता हूँ तो उनके बच्चे बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और अच्छी समझ में जा रहे होते हैं, तो पता लगता है कि इनको एक जनरेशन से एक एहसास-ए-जिम्मेदारी दिया गया है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें सबको मिलके ना बगैर एहसास-ए-जिम्मेदारी के शहरी पेड़ बनते, मेरा यहाँ रहना या ना रहना मैटर नहीं करता, आपका रहना मैटर करता है, आपकी अगली जनरेशन मैटर करती है। अगर आप एक एक किलो वाट पर लड़ेंगे कि शेगर का इधर नहीं आ सकता, अगर ये आलू मैं खा सकता हूँ वो नहीं खा सकता, ये मुर्गी इधर जा सकती है इधर नहीं आ सकती, तो आर्जी तौर पे हो सकता है आप गवर्नमेंट को जज कर लें, लेकिन मुस्तकबिल में आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। जो मां से ये वादा किया था कि आपकी ये बात मैं उस फोरम तक पहुंचाऊंगी, और मैंने उनसे पूछा ये, वो कहते हैं कि ये हम पहले भी ये कह रहे हैं कि हमारा अटेक नहीं है, ये आपका लेना देना है, आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट अगर अपने बजट से कुछ कर सकती है तो कर दे, हमें तो कोई इशू नहीं है, कम अज कम यहाँ को कहते हैं गवर्नमेंट नहीं है, तो आप अपनी कैबिनेट से और फैसला करवाएं, हमारे पास आ जाए, हम देखते हैं उसको क्या करना है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि हम मांग रहे सर सब्सिडी नहीं गए हुए, हम मांग रहे इस वक्त 32 अरब गए हुए हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमें भी अपना एहसास-ए-जिम्मेदारी देना है कि जी क्या आपने क्या किया, सारा हमसे मानने आ गए। हमने तीन लेवल पर इसको जो ना, एक तो इफाद का प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ है, जो रिस्कर्दो में भी एक्सटेंड हुआ है, और उसने मजीद काम करना है। एक हमने PSTP ने 16 बिलियन का प्रोजेक्ट रन किया है जो अगले साल से स्टार्ट होना है, उसका भी एक कंपोनेंट वाटर मैनेजमेंट और आबाद कर रही है। एक हमने जो है वो लाइवलीहुड की स्कीम जो है वो प्रेजेंट की है फॉर चाइनीज फंडिंग, अगेन वो $30 मिलियन की है, उसका भी सब कंपोनेंट है एक इसका, तो हम इसको हर एरिया में एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी जो आबादकारी करे उसके वो आहिस्ता आहिस्ता हकूक भी मिले, उसके लिए भी हम लेजिस्लेशन का बिल लेके जा रहे हैं, अमेंडमेंट इन नोटोर रूल्स, और वो हम पेश कर रहे हैं असेंबली को,